देखो गल इदा है जी कि भी पहली गल तां वाहने सारे पंजाब तां नहीं, सिर्फ मेरे तीन चार जिले छे जिले बाकी ने। मैं फरीदकोट बाकी आ, मानसा, बरनाला, फिर पटियाला, फतेहगढ़ ते रोपड़। मैं इन्हां ते हले रोपड़ वालों मेरा रोज़ आने जाने रहिंदा है, लेकिन आप नवा फतेहगढ़ साहब भी रिपोर्ट मिलती रही, ठीक है। लेकिन जिस तरीके टीम लगे ने उस तरीके हालात काफ़ी अच्छे ने, लेकिन थोड़ी जगह पर जिसे ज़्यादा क्राउड हो गया, जिमें अमृतसर च हो गया, जा फाजिलका च हो गया, ज्यादा यात्रू जिते थे अपने गुरदासपुर के भी काफ़ी सी, उसके बाद नवा तरन तारण के भी काफ़ी ज़्यादा सके, तो संगरूर भी काफ़ी केस आए हैं। तो इदा भी काफ़ी जगह पर थोड़ा जहाँ ये है कि जो जी सैंपलिंग तो बाद आइसोलेशन वार्ड से क्वारंटीन सेंटर रश है, लेकिन उन्होंने हौली हौली सारों वाइफिकेट करके ठीक हो रहा। दो दिन के सारे सैंपलिंग 4700 समथिंग बंदे कले नदेड़ साहब के जोड़े कि यात्रु ने, और उस तो बाद 3000 बंदा जोड़ा सीगा अपना लेबर वाला प्लस कोटा वाले, वो भी एक बड़ी जी प्राप्ति है कि कल 416 के सैंपल हुए थे उसे लैब के अपने फरीदकोट, उसे सिर्फ 2 जोड़े पॉजिटिव केस आए। यानी बड़ी वही गल है कि वह बहुत वधिया ठीक है फाजिलका जे उ बंदे ज़्यादा ने, पर उतों का जो रिजल्ट वो भी डे बाई डे बैटर आ रहे। सिर्फ उतों के जोड़े नदेड़ साहब वाले बंदे कले इनफेक्टेड ज़्यादा ने, यानी कि 40-42% इदा बैठ रहे हैं। ये सारे सैंपलिंग भी अज रही है या फिर रिपोर्ट जी कल फाइनल हो जाएगी? कल रिपोर्ट सारी फाइनल हो जाएगी, जोड़ा नदेड़ साहब वाले है सारे, क्योंकि साढ़े एक दिन जी अमृतसर जी हैगी लाइव उत्थे बंदा पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव होने के बाद फिर सारी टीम को क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा, तो वो जी लैब में सैनिटाइज करने बाद 8 घंटे उस चला नहीं सकते ताकि वो वायरस भी जो बिल्कुल खत्म हो जाए, उसके बाद चलना पैदा वो साढ़े 10-12 घंटे खराब हुए, वो करके साढ़ा 400-500 जो सैंपल से वो घट हो गया। दो दिन जिहड़े क्वारंटाइन किए हुए हैं श्रद्धालु या होर बाहरों आए हुए, एक जिक्र हो रहा है कि उन्होंने घरों के क्वारंटाइन करने का जो अब सरकार ने फैसला लिया एक गल का कि भी जोड़े बंदे नैगेटिव ने उन्होंने क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन दे इजाजत देगी, प्लस जिम्मे हम बाहरों NRI आ रहे हैं उन्होंने उदा फैसिलिट जिदा के आने ठंड के होटल तो घट होने का असं होटल के प्रोविजन रखी हुई है कि उन्होंने होटल भी जाना चाहो तो जा सकते हैं, प्लस सारा जो साढ़े को हमारी सरकार जी है टेस्टिंग लैके श्री साहब एक गल सामने आ रही है जिस तरीके जगजीत भगवान सिंह का पहला 2 महीने टेस्ट किया गया, उसके बाद वो पॉजिटिव आया, फिर टेस्ट किया गया नैगेटिव आ गया, उसके बाद फिर वो भी नैगेटिव आया। कुछ इस तरीके की टेस्टिंग लैके होर भी सवाल उठे हैं कि टेस्ट वो सही पहला टेस्ट पॉजिटिव आता है जगजीत भगवान सिंह का, उसके बाद नैगेटिव आते हैं, सिर्फ जो बंदे आफ्टर टेस्ट जो पॉजिटिव होंगे आइसोलेशन करने वास्ते मेरे को आते हैं, तो आइसोलेशन तो बाद ट्रीटमेंट देना मेरी जिम्मेवारी। चलो जी क्वारंटाइन तुम कह रहे हो कि घर भेजने का फैसला होया, जो हम इस टाइम क्वारंटाइन जो श्रद्धालु उन्होंने भी फिर घर भेज दिया जाऊगा? नहीं, उन्होंने काफ़ी बंद जो नैगेटिव ने उन्होंने फिर 4-5 दिन तो बाद सारे ठीक ही ने, बहुत तो एसिम्टोमैटिक भी जो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन अभी उन्होंने करन नहीं करा घर जाने हम करी शिफ्ट कर देंगे। नहीं, वो सरकार बीसी को असं डिस्पोजल छड़ता है, डीसी अपनी मर्जी ना उन्होंने घर करे, उन्होंने पिंड न्याय करे ज उसमें इश्यू जो करे वो जिम्मेवारी हैगी है, लेकिन कई सरपंचों को जिम्मेवारी दी जाऊगी कि तुम अपने ये संभाल के रखना ताकि ये चीज़ अगे फैली। तो जिहड़े NRIs आ रहे हैं जिस तरह तुम कह रहे हो तुहाडे प्रोपर अरेंजमेंट हो गए ने कि ऐसा ना हो उन्होंने आना फिर तो माहौल जिहड़ा है? पहली गल तो यह है कि बराड़ साहब के वो सारे बंदे अपने टेस्ट करा के आने, असी एयरपोर्ट के उत्ते बकायदा अपने स्क्रीनिंग करांगे, स्क्रीनिंग करोगे या टेस्ट करोगे? नहीं, स्क्रीनिंग कराएंगे, पहला स्क्रीनिंग करके असं जो बहुत सिम्पटम वाले होंगे एक साइड से कर लेंगे, जो बिल्कुल एसिम्टोमैटिक होंगे उन्होंने सारा असं अलाउ करने अपने घर जाकर क्वारंटीन हो जाना उसे ला देंगे, लेकिन जोड़े सब लोग भी शक वाले है उन्होंने असं बकायदा उन्हें सैंपलिंग करके आइसोलेशन वार्ड भी भेज देंगे।
ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਅਸਲ ਨੂੰ ਰੁਕ ਟੁੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਖੁਦ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪ ਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚੱਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।